बरेली में बस रोककर नमाज पढ़ने के मामले में बर्खास्त कंडक्टर मोहित यादव ने मैनपुरी में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। मोहित यादव पर आरोप था कि उसने 3 जून की रात 2 यात्रियों को नमाज अदा करवाने के लिए बस रुकवा दी थी, जिसके बाद किसी यात्री ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। वीडियो सामने आने के बाद मोहित की संविदा खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद से ही वो काफी परेशान चल रहा था। इसमें मेरी क्या गलती है? बताया जा रहा है कि नौकरी जाने के बाद वो अपने घर वापस मैनपुरी चला गया, तभी से वो काफी परेशान था। सोमवार को मोहित ने मैनपुरी में ही रेल के आगे कूद कर अपनी जान दी। इस घटना के बाद से बरेली रोडवेज कर्मचारियों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मोहित के सुसाइड के पीछे की वजह क्या है, ये जानना जरूरी है। दरअसल मोहित यादव संविदा पर यूपी रोडवेज बस में कंडक्टर था। 3 जून को बरेली डिपो की जनरथ बस में सवारियों को लेकर सैटेलाइट बस स्टैंड से कौशाम्बी की ओर रवाना हुआ। उस वक्त बस को केपी सिंह नाम का ड्राइवर चला रहा था। बरेली से निकलने के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने रामपुर आने से पहले कुछ समय के लिए बस को रोक दिया। यात्रियों ने जब इसकी वजह पूछी तो पता चला कि बस में सवार 2 मुस्लिम यात्रियों को नमाज पढ़नी थी। इस पर यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच बस में सवार एक पैसेंजर ने नमाज पढ़ने का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसने ट्विटर के जरिए परिवहन निगम के MD से इसकी शिकायत भी की। मामला सामने आने के बाद RM दीपक चौधरी के निर्देश पर बरेली डिपो के ARM संजीव श्रीवास्तव ने बस चालक KP सिंह और कंडक्टर मोहित यादव की संविदा समाप्त कर दी थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।